गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप बहुत अच्छी होंगी। तो ऐसी उम्मीद करती हूं आप लोग की लेके आए कमाल का प्रोडक्ट जो कि हमारे कैमरे को अपने हैंडल जो हमारे बाइक का हैंडल वाले से माउंट करने काम आता है। सो मैंने ये जो परचेज किया है ये आता है हमारे मोटो गुल्फ की तरफ से। तो प्रोडक्ट को भी हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इंस्टॉल भी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें प्रोडक्ट ये देखने को मिलता है इंस्टॉल होने के बाद। और कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा मुझे चाहिए थी, जैसे कि मुझे अपना फ़ोन इसमें माउंट करना था, क्योंकि अगर आप गोप्रो माउंट करने वाले हो तो डायरेक्टली फिट कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप इस पर फ़ोन माउंट करने की सोच रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी। जैसे कि मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास जो गोप्रो है वो एक ही है और सेकेंड कैमरे के लिए मैंने सोचा कि मैं फ़ोन को यूज़ करूँगा इसमें, तो इसलिए मैंने कुछ इस टाइप का ब्रैकेट लिया है, मतलब होल्डर बोल सकते हो आप इसको, मैंने होल्डर लिया है ये वाला। तो इसका भी लिंक, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको भी परचेज करना है तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट में किस तरीके को देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं। तो यार ये रहा अपना प्रोडक्ट जो कि फुल्ली अल्मुनियम ग्रिल के साथ है और 360 रोटेशन भी है इसके अंदर, और अंदर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा हमें। सो और जो सेकेंड चीज़ है वो मेरी कुछ मैंने इस तरीके से अरेंज करी है, और ज़्यादा मैंने कसने की वजह से ना इसमें थोड़ा क्रैक भी आ गया, तो उसको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे। तो फटाफट से पहले मैं इस बॉक्स को खोल लेता हूँ, और ओपन होने वाली सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, ठीक है। इसमें आपको दो नट बोल्ट्स, वाशर्स, रबड़ वाले वाशर्स आपको नहीं मिलेंगे देखने को, मैं ये मैंने अपने पास से अरेंज किए हैं, और इसमें मुझे भी एक बड़ा वाला वाशर भी चाहिए था, तो ये भी मैंने अपने पास से अरेंज किया है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी देखने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है, मुझे ये दोनों चीज़ मतलब ये तो आपको मैंडेटरी है तो आपको लगेगा, बट आप छोटा बड़ा करना तो आप ये यूज़ कर सकते हो छोटे बड़े के लिए, तो मुझे यूज़ करना था छोटा वाला। सो मैंने ये वाला ब्रैकेट मतलब लिया है। सो इसमें ना क्या था कि आपको ये ग्रिप बनाने के लिए नहीं दिया हुआ था, आप चाहे तो इसमें रबड़ वाला कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो फ्लैट हो। सो मैंने तो इसमें ये जो 3mm का टेप लगा कर इसमें हीट सिंक वाला जो ट्यूब आता है वो मैंने काट के इसमें लगा दिया, तो ये एकदम जॉइंट हो गया सही से, ताकि मेरा ग्रिप मतलब लूज़ ना हो और रस्टिंग ना है। सो मैंने इसमें भी और दोनों में इस तरीके से लगा दिया, तो ये हो गया। बस कंपनी क्या देगी आपको 3mm का ये छोटा सा ये टुकड़ा देती थी लगाने के लिए बस, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए मैंने इसका निकाल दिया, मैंने यूज़ नहीं किया इसको। सो पहले मैं इसे फिट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो यार अपना प्रोडक्ट मैंने थोड़ा बहुत इसे रेडी कर लिया है, ठीक है। अब क्या है, मुझे मोबाइल माउंट करना है, तो पहले मैं जो ये जो नट बोल्ट से ग्रिप बनाने के लिए टाइट करने के लिए पहले मैं इसे इस तरीके से लगा दूंगा, उसके बाद लगा देता हूँ, पहले मैं इसे लगा दूंगा उसके बाद इस मोबाइल होल्डर को मैं यहाँ पे इस तरीके से फिट कर दूंगा, इसमें बना हुआ है इसको यहाँ पे लगा दूंगा, इस तरीके से मोबाइल हमारा फिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है ना, इसमें एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि भाई ये मैंने उल्टा लगा दिया है, नीचे देखोगे आप इसमें, सो इसमें क्या है ना ये थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर की साइड में, तो इसलिए मैंने क्या किया है इसमें थोड़ा सा ये एक बड़ा वाला रबड़ वाशर लेकर इसमें लगा दिया है, ताकि जो इसका जो ग्रिप है जो टाइट करने के लिए जो आएगा सो ये प्रॉपर तरीके से इसमें हो जाए इस तरीके से। अब देखो, अब देखिए पहले क्या था ना गैप आ रहा था, अब गैप नहीं आ रहा, अभी पूरे तरीके से सही तरीके से हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे लगा दूंगा, एक बढ़िया तरीके से टाइट हो जाएगा इसमें। उसके बाद अब इसमें बस एक ही चीज़ काम बचता है, वो है मेरे बाइक में फिट करना, और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से हमारा ये लग रहा है, ठीक है। बस चलिए चलते हैं फटाफट। सो यार अपना ब्रैकेट इंस्टॉल हो चुका है, और मेरी जो माउंट है वो अपना कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिल रहा है, और बाकी एकदम प्रॉपर फिटिंग होगी। और मेरा ना इसमें ये छोटा वाला जो है, मैंने बताया था छोटा वाला मैंने जो निकाला था लगाने के लिए ब्रैकेट, वो लग नहीं पाया इसमें, सो मैंने ये बड़ा वाला निकाल के इसमें फिर लगाया इसमें, तो इस तरीके से एकदम प्रॉपर फिट हो गया है इसमें। और इसे आप किसी भी रोटेशन में इसे घुमा सकते हो, 360 रोटेशन में किसी भी एंगल से आप इसमें घुमा सकते हो, यहाँ से आप क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ से भी आप घुमा सकते हो उस चीज़ को, और इस तरीके से यहाँ से भी घुमा सकते हो इसे। सो मेरा फ़ोन यहाँ पे माउंट हो जाएगा इस तरीके से, सो एकदम सही फिटिंग आ रही है, प्रॉपर तरीके से अपना आप कैमरा का जो माउंटिंग फिटिंग हो चुकी है अपनी बाइक के ऊपर। और आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर एक वीडियो देखने को मिलेगी इसके ऊपर, जैसे कि अलग अलग एंगल से हमें शूट करना होगा, सो वहाँ से हम शूट कर सकेंगे इसको। तो यार उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।